ट्रंप की कंपनी धोखाधड़ी मामले में दोषी करार, टैक्स चोरी में की थी मदद। घर पर क्वारंटाइन, शहर में लॉकडाउन नहीं, प्रदर्शनों के बाद चीन ने दी कोविड प्रतिबंधों में ढील। सऊदी प्रिंस को राहत, अमेरिका की कोर्ट ने हत्या के केस को किया खारिज, खगोशी की हत्या से जुड़ा मामला। उत्तर कोरिया में दो छात्रों को अमेरिकी फिल्में देखना पड़ा भारी, सबके सामने दी गई फांसी, दोनों छात्रों के नाम नहीं आए सामने। चार्ल्स पर फिर फेंका गया अंडा, आरोपी शख्स गिरफ्तार, सुरक्षाकर्मी किंग चार्ल्स को दूसरी जगह ले गए। हम तिल तिल करके मर रहे हैं और भारत फायदा उठाने में जुटा, रूस में सस्ता कच्चा तेल खरीदने के मसले पर यूक्रेन ने भारत पर उठाए सवाल। नॉर्थ कैरोलिना में 45,000 लोग अंधेरे में रहने को मजबूर, अमेरिका में दिखा नए लेवल का खतरा, आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई। जब हम जीतेंगे वापस आ जाना, साथ दिवाली मनाएंगे, यूक्रेन का भारतीय छात्रों को मैसेज, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने साथ दिवाली मनाने की इच्छा की जाहिर। इमरान खान का खेल खत्म, पीटीआई अध्यक्ष पद से हटाने के लिए चुनाव आयोग ने शुरू किया प्रोसेस, तोश खान से रियायती दरों पर उपहारों को खरीदने के बाद मुनाफे पर बेचने का आरोप। कश्मीर पर पाकिस्तान पीएम शहबाज को पीओके के पीएम ने भरी सभा में झाड़ा, पीओके के प्रधानमंत्री सरदार इलियास तंदीर ने कहा कि शहबाज ने पूरे पीओके का मजाक उड़ाया। एमसीडी चुनाव में जीत पर आप में जश्न, चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड जीते, बीजेपी ने 104 वार्डों पर जीत की दर्ज। एमसीडी चुनाव में जीत पर आप पार्षदों से बोले अरविंद केजरीवाल, कहा अहंकार मत करना वरना दिल्ली के लोगों को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। 15 साल बाद एनसीडी की सत्ता से भाजपा आउट, बीजेपी को 104 और आप 134 सीटें, केजरीवाल बोले पीएम मोदी के आशीर्वाद से विकास करें। आरबीआई ने रेपो रेट में वृद्धि करते हुए नीतिगत ब्याज दर को 6.2% कर दिया है, कहा अभी और ऊपर जाएगी ब्याज दरें, महंगे लोन के लिए तैयार रहें। मुंबई के 3 बड़े स्टेशनों को उड़ाने की धमकी, एक शख्स हिरासत में, मुंबई के दादर, कुर्ला और एसएसएमटी स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी। सीएम राइज स्कूल गुनौर का मामला, आज कुछ ऊंची दीवार बांधकर स्कूल से भागते बच्चे, स्कूल प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया। छतरपुर में अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ, 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा समारोह, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने थचों के पांचे फूल पहुंचे। पीड़ित किसानों को 42 वर्ष से हाईकोर्ट के फैसले के बाद नहीं मिला जमीन का कब्जा, भूमाफिया दे रहे हैं हत्या करने की धमकियां, मोहनगढ़ थाने के अंतर्गत ग्राम गुलाबपुरा का मामला। किराने की दुकान में चोरी, दीवारों में छेद मार, घटना को दिया अंजाम, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल, कवर्धा की पुलिस चौकी, रणवीरपुर का मामला। 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जमीन हड़पने का मामला, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के थाना गुंडरदेही का मामला। 22 हुई बर्बरता पूर्वक मारपीट, राज्य को सेवा ने की दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग, कवर्धा सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कापा का मामला। पन्ना में बाघ की फांसी लगने से संदिग्ध मौत, मौके पर पहुंचे आला अधिकारी, शिकार की जताई जा रही आशंका। रीवा के नईगढ़ी देवलहा जलप्रपात में युवक ने लगाई छलांग, पारिवारिक विवाद के चलते लगाई छलांग, युवक की तलाश में जुटी पुलिस। लगातार 4th दिन भी चूटा शेयर बाजार, सेंसेक्स 215 अंकों की गिरावट के साथ 62,410 पर आया, रेपो रेट बढ़ने से रियल्टी स्टॉक्स में गिरावट। एशिया के सबसे बड़े दानवीरों में 3 भारतीयों का नाम, फोर्ब्स ने जारी की लिस्ट, लिस्ट में गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सूता का नाम शामिल।